आज हम जा रहे हैं मैच देखने भाई के साथ। ये रहा टिकट, ये आ चुकी है दिल्ली की। किसको सपोर्ट कर रहे हैं भाई? दोनों आ रहे हैं। देख लो दोनों को आ रहा है। किसको सपोर्ट कर रहे हो वैसे आप? भाई दिल्ली में मैच है तो मैं लखनऊ को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, और लखनऊ में होता तो मैं तब भी उसको ही करता। क्यों? दिल्ली में खेलने वाले बंदे एक पंथी तो है, कोई तो है। वैसे किसको सपोर्ट कर रहा है तू? किसी को नहीं, टिकट फ्री मिली। ये बात भी पॉइंट है। ऐसे हमें किसी ने टिकट दे दी तो हम चल पड़े मैच देखने। तो वहाँ चल के देखते हैं कितनी भीड़ होने वाली, और देखते हैं दिल्ली जीते यार हारेगी। हारेगी भाई, शर्त लगा रहा है ये। दिल्ली हारेगी, पिज्जा खिलाएगा जीत की। तो ठीक है, याद रखना सबके सामने अब तो ये। तो फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है। मैच स्टार्ट होने में भाई सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। दिल्ली की है बैटिंग और हम चले भागते हुए। सीट पे नहीं बैठे, सीट मिली नहीं। ढूंढे कौन भाई, बहुत भीड़ है। तो ढूंढने का टाइम नहीं मिला। मैं जहाँ जगह मिल गया वहाँ बैठ गया। देखो वहाँ बैठा हूँ, दिखाऊँ? ये देख रहे हो इधर भी है भाई। ये बड़े अगर अंदर चले गए ना, किसके चौका लगे देख। आगे जाना है, स्कोर दिखाऊं क्या हो रहा है इस टाइम भाई? आए तो दिल्ली को जिता के जाएंगे। और अभी भी जीत गई ना तो बेइज्जती है भाई। काले कपड़े पहन के आए तो दोनों, नजर ना लग जाए भाई। अटिया चौका लग गया। क्राउड तो अच्छा है भाई, क्राउड तो बढ़िया है। क्राउड भी और काले कपड़े पहन के आए भाई, दोनों जिता के ही जाएंगे। देख ले एलएसजी जीतेगी मेरे हिसाब से तो, है नहीं भाई? दिल्ली जीतेगी और अच्छे रन रेट से जीतेगी दिल्ली, देख लियो। चलो मैच दिखा दूं आपको थोड़ा सा। तभी चौका पड़ गया। अरे भैया ये रहे हमारे चैंपियन ऋषभ पंत। हर ओवर के बाद भाई देखो कैसे साफ करने वाले आते हैं, और जो लाइन मिट जाती है ना वो भी सही करने आएंगे। और स्कोर देख लो, एलएचजी के तो भाई लगे पड़े हैं इस टाइम, कुछ भी हो सकता है। तो वो डाउट होता था अगर हम मैच देखने आते थे तो देखते स्क्रीन पे वो पोस्टर वगैरह लगे होते थे, हम सोचते थे कंप्यूटर आई रेडी है भाई। रियल में लगे होते हैं ये, लगे हुए ये रहे माई सर्कल रुपे एंजल और दो ये रहे। ये डाउट तो मेरा क्लियर हो गया भाई आज अच्छे से कि ये चिपके रहते हैं, सोचता कंप्यूटर आई है। तुझे लगता होता था ये पहले? मैं तो छोड़ दिया सर। भाई लखनऊ को सपोर्ट करने आया था, पर लखनऊ हार के दिल्ली जीत रही है। अभी जीत रही है, देखते हैं। फाइनली दिल्ली जीत चुकी है भाई, मजा आ गया मैच देखकर। चाहिए था मैंने यार दिल्ली जीतेगी भाई। जो ओवर थ्रो जो उसने भाई हिट मारा ना भाई सीधा विकेट पे, वहाँ मैच चेंज ही हो गया था पूरा।
नहीं तो भाई मुश्किल था, सही खेल रहा था बंदा, सुपर ओवर हो जाता ना, हम तो सोच रहे थे सुपर ओवर हो जाए अभी तक। थ्रो जो थी एक नंबर थी भाई, थ्रो डायरेक्ट थ्रो जो मारी है ना उसने, वो एक नंबर मारी भाई, मजा आ गया। अगर वो थ्रो नहीं लगती ना तो भाई मैच चला जाता लंबा। दिल्ली अंदर जाए ना जाए, हमारे आज के पैसे वसूल हो गए। और भाई भीड़ नेक्स्ट लेवल भीड़ थी भाई, मेट्रो पूरा खाली पड़ा इस टाइम, ये देखो लास्ट मेट्रो है, अगर ये भी छूट गई ना तो फिर तो पैदल। अभी 12:25 हो रहे हैं, नहीं 30 हो रहे हैं, वो देख टाइम ऊपर आ रहा है भाई, गलत टाइम चार मिनट आते हुए हो गए, 12:30 ही हो गए। हाँ तो अब देखते हैं अगला मैच दिल्ली अंदर होएगी नहीं होएगी भाई, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी लोगों के लिए भाई। दूसरे अगर होएगी तो आने की दोबारा कोशिश करेंगे। हाँ अगर दिल्ली अंदर होगी तो जहाँ मैच होगा वहाँ जाने का ट्राई करेंगे हम, कि हमें टिकट मिल जाए पक्का जाएंगे हम लोग वहाँ। बस अब देखते हैं भाई दिल्ली, वैसे सपोर्टर में सही बताऊँ मैं भाई CSK का सपोर्टर, पर दिल्ली का भी हूँ साथ ही साथ। भाई आप तो कोलकाता को कर रहे हो सपोर्ट इस साल भाई, कोलकाता एक नंबर खेल रही है, बेस्ट टीम है इस साल, ये बात तो है भाई। कोलकाता भी भाई फॉर्म में है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, पहले RR सबसे ऊपर चल रही थी, फिर देख लो भाई कोलकाता ने क्या कमबैक करा, बहुत बढ़िया खेल रही है कोलकाता। गौतम गंभीर की भाई कैप्टनसी नेक्स्ट लेवल है भाई, अलग अलग ही है वही जीतेगी भाई, जीत जाए तो अच्छी बात है। अब देखते हैं, तो अब घर जा रहे भाई, लग रही है भूख, देखते कुछ मिलेगा खाने के लिए, नहीं तो अपना स्विगी जिंदाबाद है भाई। अब मिलते हैं आपको कुछ खाते हुए हम।